नमस्कार, स्वागत है आपका के भारत पर। आप देख रहे हैं क्रिकेट की चौसर। बात हुई है क्रिकेट की, तो क्रिकेट की दुनिया में नंबर एक की लीग आईपीएल की बात हम करते हैं। आईपीएल का जहां सुरूर पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, वहीं कल हुए एक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को एक तरफा तौर पर हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी शुरुआत करते हुए 61 रनों पर 5 विकेट गंवा दिए 10.5 ओवर्स में। हालांकि उसके बाद कप्तान मॉर्गन और पैट कमिंस ने संभालने की कोशिश की कलकत्ता की पारी को, और उन्होंने स्कोर को ले जा करके 148 तक पहुंचाया। को बता दें, इससे पहले कल दिनेश कार्तिक ने कप्तानी इयान मॉर्गन को हैंडओवर की। दिनेश कार्तिक ने कहा कि मैं अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, इस वजह से कप्तानी मैं इयान मॉर्गन को दे रहा हूं। इस मैच में क्विंटन डिकॉक मैन ऑफ द मैच बने, जिन्होंने शानदार 78 रनों की नाबाद पारी खेली मात्र 44 गेंदों पर। मुंबई इंडियंस ने 17 ओवर से भी कम में अपना टारगेट चेस किया और एक तरफा मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर पहुंच गई है। को बता दें कि कलकत्ता नाइट राइडर्स इस मुकाबले में हार के बाद पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं बात करें अगर आज के मुकाबलों की, तो आज पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने जा रहा है। ये एक रॉयल मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि बेंगलोर पिछला मैच हार के आई है, वहीं राजस्थान रॉयल्स भी अपना पिछला मैच हार चुकी है। आपको बता दें कि दुबई में होने वाले इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। राजस्थान रॉयल्स अपनी वही टीम खिला रहा है जो उसने पिछले मैच में खिलाई थी, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दो बदलाव किए हैं अपनी टीम में। उन्होंने गुरकीरत सिंह मान को स्थान दिया है मोहम्मद सिराज की जगह पर, जबकि शिवम दुबे की जगह पर शाहबाज अहमद को खेलने का मौका मिला है। बता दें कि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही टीमों के लिए। दो अंकों की जद्दोजहद हो रही है इस मुकाबले में। ये मुकाबला आप लाइव देख पा रहे हैं दुबई पर। इस मुकाबले को सेंट्रल पिच पे ना खेलकर साइड वाली पिच पर खेला जा रहा है, जिसकी वजह से मैदान का समीकरण भी चेंज हो रहा है। यहाँ एक तरफ बाउंड्री शॉर्ट हुई है, सिर्फ 66 मीटर की रह गई है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी बाउंड्री हो चुकी है लगभग 85 मीटर की। आपको बता दें, आज जो दूसरा मुकाबला होना है वो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है, जो कि है दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। माही अपना सर्वस्त्र निछावर कर देने पर लगे हुए हैं। हमने देखा किस तरीके से चोटिल होने के बाद मैदान में जो जज्बा दिखाया था महेंद्र सिंह धोनी ने, उस जज्बे ने पूरी टीम को भी प्रभावित किया है, और इस वजह से चेन्नई सुपर किंग्स फिर से रंग में आने लगी है और लग रहा है कि वो क्वालिफाई करने के लिए आतुर हैं, और उसी हिसाब से अपना टीम समीकरण भी बनाया उन्होंने। पिछले मैच में हमने देखा कि सैम करन को ओपनिंग करने भेजा था उन्होंने शेन वॉटसन की जगह पर, और कहीं ना कहीं ये दाव उनका सफल भी हुआ था, जब सैम करन ने महज 21 गेंदों में 31 रनों की तेज शुरुआत दी थी। हालांकि चेन्नई की अगर बात करें तो चेन्नई अभी छठे नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में। हालांकि अगर आज चेन्नई जीतती है तो वो पहुंच जाएगी तीसरे या फिर चौथे नंबर पे। अगर आरसीबी हारी अपना मुकाबला तो नेट रन रेट के हिसाब से चेन्नई पहुंच सकती है तीसरे स्थान पर, जहां अभी आरसीबी का कब्जा है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुश्किलें तमाम बढ़ी हुई हैं। जहां ऋषभ पंत पहले से ही चोटिल थे, वहीं पिछले मुकाबले में श्रेयस अय्यर का भी कंधा उखड़ चुका है। आज फिजियो पूरा जोर लगा रहे हैं कि श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत दोनों टीम में खेलें। खासकर श्रेयस अय्यर की बात करें तो वो कप्तान है इस टीम के, और दिल्ली कैपिटल्स नहीं चाहती होगी कि उनका रिदम बिगड़े, क्योंकि इस बार दिल्ली कैपिटल्स बहुत शानदार खेल दिखा रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स आसानी से क्वालिफाई भी कर जाएगी क्वालिफायर्स के लिए। लेकिन ऐसे मौके पर अगर उनकी रिदम टूटती है तो ये आने वाले मुकाबलों के लिए उनके लिए अच्छी बात नहीं होगी। ये मुकाबला शारजा के मैदान पर खेला जाएगा, जहां स्पिनर्स का बोलबाला रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो शारजा का विकेट है वो काफ़ी टूट चुका है, काफ़ी स्लो हो चुका है। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स के पास आर अश्विन जैसा एक शानदार और अनुभवी ट्रम्प कार्ड है। वहीं चेन्नई की बात करें तो चेन्नई तो हमेशा से स्लो स्पिनिंग ट्रैक पर अपना कब्जा जमाए बैठी हुई है, अपना सिक्का दिखाया है महेंद्र सिंह धोनी ने, और पूरी चेन्नई की टीम ने अपना लोहा मनवाया है स्लो विकेट्स पे। अगर स्लो और टर्निंग विकेट्स पे चेन्नई का रिकॉर्ड देखें तो आईपीएल में बहुत शानदार रहा है। वहीं चेन्नई के स्पिनर्स की बात करें तो उनके पास पीयूष चावला, कर्ण शर्मा और रविंद्र जडेजा जैसे क्वालिटी स्पिनर्स हैं। अगर इस साल के आईपीएल की हम बात करें तो अब की 2020 में दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर्स ने सबसे चीपेस्ट इकोनॉमी रेट्स के साथ गेंदबाजी की है।
दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर्स का इकोनॉमी रेट महज 6.31 का है। दिल्ली कैपिटल्स अगर आज जीत दर्ज करेगी तो वो टॉप पर पहुंच जाएगी मुंबई इंडियंस को पीछे छोड़ते हुए, उसके हो जाएंगे 14 पॉइंट्स। जो चौथा स्पॉट है आईपीएल का क्वालिफायर्स के लिए, उस पर ज़बरदस्त जद्दोजहद देखने को मिल रही है, क्योंकि आईपीएल का आधे से ज़्यादा सीजन अब बीत चुका है। ऐसे में पॉइंट्स टेबल भी लगातार ऊपर नीचे रोटेट हो रही है। आज के दोनों मुकाबले बहुत दिलचस्प हैं, देखते रहें आईपीएल को और साथ ही साथ के भारत को भी, क्योंकि हम आपको पल पल की अपडेट्स देते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ, धन्यवाद।